सबसे पहले तो आप लोग बताइए कितने लोग अयोध्या के हैं यहाँ पर जो आए हैं, और अयोध्या के बाहर से कितने लोग आ जाए हुए हैं ये देखिए। देश भर से लोग अभी अयोध्या पहुंच रहे हैं, सबने रामलला के दर्शन कर लिए, जो पहले वाली मूर्ति थी कर ली, काफी लोगों ने कर ली है। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, आप लोगों के पास भी आऊंगी, आप लोग अपनी बात रखिएगा। आपके साथ शुरुआत करते हुए, कितनी बेसब्री से 22 तारीख का इंतजार है, और जब ये पॉलिटिक्स और इस तरह की बातें आप देखते हैं तो कितने परेशान होते हैं? पहले तो अंजना जी ढेर सारा आपको आशीर्वाद, जिस प्रकार से आप अयोध्या आई और अयोध्या के लोगों का भाव आपने देखा, आपने कहा कि कितने लोग अयोध्या के हैं, लमसम सभी लोगों ने हाथ उठाई, उसके बाद आपने कहा कितने लोग अयोध्या के नहीं हैं, सबने हाथ उठाई। आप समझ सकते हैं अयोध्या के प्रति स्नेह, अयोध्या के प्रति भाव, अयोध्या के प्रति समर्पण हर व्यक्ति के मन में है। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम किसी दल के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, लेकिन कष्ट तब होता है जिस प्रकार से लोगों का मैं देखता वक्तव्य टीवीओं पर, गजब बात करते हो। पहले तो आपने इस प्रकार से अटल जी से कहा कि अरे अटल जी आप तो प्रधानमंत्री बन गए, तारीख कब बताओगे, मंदिर कब बनाओगे? आज मोदी जी ने तारीख भी बता दिया और मंदिर के ऐलान भी हो गया, 24 तारीख को वो दिन भूतो न भविष्यति, जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने किया था 76 बार के लड़ाई के बाद, 5 लाख राम भक्तों के प्राणों की आहुति के बाद, लाखों साधु संत अपने आश्रम को छोड़कर, भजन पूजा पाठ को छोड़कर गांव में गलियों में जाकर अलख जगाया, जिसके परिणाम स्वरूप संघ विचार परिवार का जन्म हुआ। आज पूरे देश राम में, सनातन में, सनातन संस्कृति में जो राम को काल्पनिक कहते थे वो भी आज कहते हैं भैया हमको न्योता नहीं। आज जो राम जी को टेंटों में रखने का कुकर्म किया था वो कहते हैं सबसे पहले मैं अयोध्या जाऊंगा। जहाँ पर आप बैठी हो अंजना जी, इस जगह पर खून की नदी बही, आज वो कहते क्या है, वाह मेरी सरकार होती तो पहले मैं मंदिर बना देता। ये परिवर्तन मामूली बात नहीं है, जितने देश दुनिया से लोग आए हैं इनकी त्याग और तपस्या और संघर्ष की बात है, तब जाकर आज अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य संभव हो रहा है। आप क्या कहेंगे आज जब 22 जनवरी इतना करीब? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये देश अंग्रेजों की जंजीरों से मुक्त हुआ था तब हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है, आज मुगलों के द्वारा आक्रमण करके हमारे मंदिर को किरा करके और वहाँ पर विवादित जो मस्जिद बनाया गया था, मुझे लगता है कि अध्यात्म की जो 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस है, हम उस 22 तारीख 22 जनवरी को एक आध्यात्मिक स्वतंत्रता मनाने वाले हैं, जिसके रूप में भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, मानवता के उस जो उदात्तम शिखर परमात्मा श्री राम है वो निश्चित रूप से अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, और राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर की भी परिकल्पना सार्थक हो रही है। उसके साथ साथ हम अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि अयोध्या वासी की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ती है क्योंकि यहाँ का जो मूलभूत प्राण है वो यहाँ की मर्यादा है, क्योंकि भगवान श्री राम ने संपूर्ण सब कुछ का परित्याग किया पर अपनी मर्यादा का परित्याग नहीं किया। अयोध्या का जो प्राण है, जो जीवन है, जो चेतना है, जो जागृति है, जो संस्कृति है, वो केवल अयोध्या में ही नहीं संपूर्ण विश्व में फैलने वाली है। उसका प्रस्थान बिंदु अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि से प्रारंभ हो रहा है 22 तारीख को, तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक जो राष्ट्र का वैभव है, राष्ट्र की कांति है, राष्ट्र की ऊर्जा है, राष्ट्र एक जागृति की ओर बढ़ चला है, और राम राज्य की जो परिकल्पना है उसका प्रस्थान बिंदु 22 तारीख को अयोध्या में राम जन्मभूमि में प्रतिष्ठित होने वाला है। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज, आपसे और तमाम जो यहाँ पे 5 साधु संत हैं उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग मूल रूप से अयोध्या के हैं या यहाँ पर आए थे? देखिए अयोध्यावासी 5 प्रकार के होते हैं। अच्छा, पहले अयोध्यावासी वो जिनका जन्म अयोध्या में हुआ। हमें वही जन्म वाला पूछ रहे हैं। दूसरा वो जो अयोध्या में आकर के बस गए। हाँ? तीसरे वो जो यहाँ से जाने के बाद भी वो अयोध्यावासी हैं। चौथे वो जो आपके टीवी के माध्यम से अयोध्या को देख रहे हैं और सोच रहे हैं, वो भी अयोध्यावासी ही हैं, और अयोध्यावासी होने का भी गौरव उन्हें प्राप्त है। ठीक है, तो आप 5 में से कितनों का जन्म यहाँ पर हुआ था?
देखिए मैं तो बाहर से आया हूँ लेकिन मूल रूप से हूँ अयोध्या। क्या खींच के लाया आपको अयोध्या? अयोध्या रामत्व खींच कर लाया, राम की मर्यादा खींच कर लाई। किस उम्र में आए थे? मैं 10 वर्ष का तब अयोध्या में आया, 10 वर्ष की अवस्था से मैं अयोध्या में हूँ। तो यहाँ यहाँ की मैं चाहती हूँ कि आज निजी भाव भी सबका सामने आए। कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर इस राम मंदिर के इंतजार में बहुत उन्होंने दशक बिताए। तो आप भी 10 साल के थे, अभी का उम्र नहीं पूछूंगी आपका मैं। हाँ बता सकता हूँ, उम्र बताने में कोई दिक्कत नहीं है, 38 है मेरी उम्र तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो आपने भी लगभग 2-3 दशक तक इंतजार किया यहाँ पर राम मंदिर जी। आप बोले बिल्कुल। अंजना जी आपने जैसे पूछा कि आप यही कहें कि कहाँ से आए, पहले इसका ही उत्तर दे देता हूँ। जन्मभूमि मध्य प्रदेश होने के बाद भी एक पाठ चलता था संस्कृत में, अस्ति उत्तर प्रदेश अयोध्या नाम नगरी। उसी राम जी का चरित्र को सुन करके, और बचपन में एक गुरु जी थे हमारे MP आचार्य जी, उनके द्वारा रामलीला करता था, तो निश्चित तौर पर राम जी का चरित्र ही इतना अच्छा था कि वो खींच करके कहीं न कहीं अयोध्यावासी तो बना दिया। चंद्रांशु जी आप किस उम्र में यहाँ पर आए? 10-12 साल की सभी की उम्र है। हाँ 10-12 साल, प्रथमा में एडमिशन उसी उम्र में होता ही है। ठीक है आशुतोष दास जी आप बताएं, और आपके लिए अयोध्या का मतलब क्या है? जी अयोध्या जहाँ पर कभी युद्ध ना हुआ हो उसे अयोध्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो भगवान श्री राम के बाद युद्ध ही चल रहा है। 500 वर्षों से युद्ध हो रहा है और वो युद्ध आज समाप्त हुआ और राम भक्तों का जो है प्रतीक्षा था वो पूरा हुआ। और मुझे लगता है कि आज तक, आने वाला कल तक और सदियों तक राम गूंजता रहेगा, इसलिए एक बार जोरदार जयकारा लगाइए, जय श्री राम। ये सदियों तक गूंजना चाहिए, ये समय, ये क्षण और ये तारीख दोबारा आने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमारे और आपके हृदय में सदियों सदियों तक गूंजता रहेगा। और कार सेवकों की बलिदानी कोई भूलेगा नहीं। अभी राजूदास जी कह रहे तो यहाँ खून की नदियां वही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ भी, निमंत्रण को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी, मैं भी मूल निवासी यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन भगवान श्री राम के लिए यहाँ पर अयोध्या आया, शिक्षा दीक्षा के लिए आया था। आने के बाद मैं साधु बन गया और साधु बन करके यही सोचता रहा कि भगवान श्री राम का मंदिर कब बनेगा और कब मैं दर्शन पाऊंगा। स्वामी कर्पात्री जी अब आपके पास आते हैं जी। आपके लिए क्या अर्थ है इस दिन का और किस तरह से आप देख रहे हैं, जो पॉलिटिक्स भी राजनीति भी हो रही है, फिर अंसारी जी आपके पास। देखिए अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे, जगत गुरु रामदीनाचार्य जी, हमारा छोटा भाई चंद्रासु जी, भारत वर्ष के जिन जिन की आत्माओं में, जिनके हृदय में राम है, वो सब अवधवासी है। तहां ही अवध है जहां राम निवासो। भारत वर्ष के या विश्व के जिन जिन के हृदय में राम है, या जो जो अपने हृदय में राम बसाए हैं, वो सब अयोध्यावासी हैं। तहां ही अवध जहां राम निवास हो, तहां ही दिवस जहां भान प्रकाश हो, तहां ही दिवस जहां भान प्रकाश राम बखानी। जी राम जी जिसके हृदय में है वो सब अवधवासी हैं। तहां ही अवध जहां राम निवास हो। स्थिति दूसरी है, अंजना जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, इकबाल जी, मुझे वो दिन याद आ रहा है इसी मंच पे शायद आप थी जब इकबाल ने कहा था, कर्पात्री जी मैं इकबाल बोल रहा हूँ, अयोध्या में मस्जिद बनेगी। हमने कहा आपके पास एक बाल भी नहीं है, हमारे संतों के पास लाखों लाख बाल है, बनेगा तो राम मंदिर। लेकिन हम उनका बहुत स्वागत करते हैं, हमारे मेहमान है वो, और पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि उन्होंने खुद यहाँ आने की बात कही, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री पर पुष्प बरसाए। देखिए कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, इन्होंने कहा है कि कोर्ट का फैसला है, हम उनका सम्मान करते हैं, अब पहले भी सम्मान करते थे, लेकिन ये हमारी सांस्कृतिक का देन था जब हमारे दिनसाचार्य जी चंद्रासु जी ऐसे हम लोग धर्माचार्य जगशाला में बैठ करके ओम शांति ओम शांति ओम शांति का पाठ करते थे, तो 500 साल लग गया। अब हम संतों से कहना चाहते हैं कि यज्ञ कराओ, जगशाला में बैठो, ओम शांति बोलो, लेकिन जब देश के ऊपर, धर्म के ऊपर, जात के ऊपर, मजहब के ऊपर कोई हाथ उठावे तो बाहर निकल के ओम क्रांति ओम क्रांति ओम क्रांति की आवाज लगाओ, ताकि किसी की हिम्मत या ना कर सके कि भारत माता के ऊपर कोई उंगली उठा सके। अरे अरे धर्म क्या है? धर्म पर बहस करिएगा तो बहुत फंस जाइएगा, इसे मत कीजिए। एक सेकंड सुनिए, देखिए धर्म क्या है? अरे अरे एक सेकंड आराम से देखिए, धर्म कभी भी क्रोध नहीं सिखाता है। धर्म में क्रोध है या नहीं? क्रोध लोभ सब त्यागिए, धर्म में है तब मिलते हैं भगवान राम। धर्म में है तो जो न दंड देव खल तोरा, अभय
कष्ट होई सुति मार गए मोरा। ठीक ये भी मेरा धर्म है बात। चलिए इकबाल अंसारी जी, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए इधर भी तो देखिए। राम ने भी कहा है, राम ने भी कहा है कि बिना न मानत जड़ जड़ गयो तीन दिन। अरे धर्म सिखाता है, सबसे बड़ी बात यही है, क्रोध नहीं है, ये क्रोध नहीं है, ये मेरा स्वभाव है, ये भारत रक्षा का स्वभाव है। हमारे शहीदों ने शहादत दिया है, कृष्ण जी शहादत दिया है। इकबाल जी आप भी खुशी से देख रहे हैं उस दिन को जब यहाँ पर मंदिर बनेगा, खुशी से देख रहे हैं। माइक पकड़ लीजिए। अयोध्या है, अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है सारी चीजें खुशी से हो रही है, कहीं किसी को दुख नहीं है। अयोध्या में विकास भी है, रोजगार भी है, राम मंदिर भी है, सारी चीजें जो है यहाँ मौजूद है, किसी की जो है आज अयोध्या में कोर्ट के बोलिए बोलिए आज जो है अयोध्या में जितने भी है धर्म की लड़ाई हम तो बिल्कुल नहीं चाहते, जात की लड़ाई बिल्कुल नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि हर लोगों में सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति कोई ऐसा ऐसी भावना हो कि जिससे अगले को कोई तकलीफ पहुंचे, हमारा तो यही मकसद है। और आपको भी लग रहा है कि मंदिर से पूरा समग्र विकास हो रहा है, एक सिर्फ मंदिर नहीं बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आप देखिए, मॉडर्न सर्विसेज उसमें उपलब्ध है, मतलब जिस तरीके से पूरा काया पलट हो रहा है, विकास का है। नौकरी किसको मिलेगा, यही अयोध्या वासियों को तो मिलेगा। देखिए जब विकास होगा तो अयोध्या वासी का जो है अयोध्या वासी को विकास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अयोध्या जो है अयोध्या में विकास है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, तमाम कुंड है, रोडें हैं, जो चीज अयोध्या में कमी रही वो सारी चीजें पूरी हो चुकी है माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, ऐसी कोई कमी नहीं है जी। तो आपको लगता है कि अयोध्या को लेकर पीएम की जो सोच है वो सही दिशा में जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम की सोच बड़ी अच्छी है कि अयोध्या में जो कुछ हो रहा है बड़ा बेहतर हुआ है, विकास की योजनाएं भी लेके आए, राम मंदिर की भी योजनाएं लेके आए, सब सारे काम यहाँ पूरे हो चुके हैं, किसी को कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सारे लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं। बोलिए। देखिए अभी इकबाल भाई बोल रहे थे, पहले तो मैं आपको जवाब दे दूं, हम लोग हम सौभाग्यशाली हैं, यहाँ तो जन्म नहीं हुआ, यहाँ जिनका जन्म आप हुआ कितनी उम्र में आए थे? हम तो 4.5 साल की उम्र में आया नहीं था, माता पिता ने सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज को दान कर दिया। कहा जाता राम द्वारे तुम रखवारे, होत नाज्ञा बिन पैसा रे, अयोध्या के राजा हनुमान जी महाराज हैं, तो हमारे माता पिता ने श्री हनुमान जी महाराज को दान कर दिया। मैं सौभाग्यशाली हूँ 4.5 वर्ष की उम्र में। अभी इकबाल जी से आपने पूछा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या रेलवे स्टेशन, अभी मोदी जी आए थे, और देश और दुनिया में रहने वाले उन मुसलमानों को सीख लेना चाहिए इकबाल भाई जैसे लोगों से। अयोध्या की खूबसूरती हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, कनक भवन के बीच में आसपास में 16 से 17 मस्जिद हैं, और मस्जिद के आसपास अधिकतर मंदिर ही मंदिर है, बाकी कुछ नहीं है, और उस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज होता है, इसी का प्रणाम स्वरूप है कि इकबाल भाई ने कहा जो आदेश आएगा उसको हम मानेंगे, और आदेश मंदिर के पक्ष में आया, सबसे पहले इकबाल भाई गले मिलकर उन्होंने कहा कि ना तो मैं उच्चतम न्यायालय जाऊंगा न तो कहीं और जाऊंगा, लेकिन देश के कुछ ऐसे ओवैसी जैसे मुसलमान थे जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को आतंकवादी बनाने का प्रयास किया, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बरगलाने का प्रयास किया, हिंदुस्तान की जो समन्वय है, एकता है, भाईचारा है, उसमें जहर घोलने की बात किया, लेकिन इकबाल भाई जैसे लोग से उन मुसलमानों को जरूर सीख लेनी चाहिए। ठीक है, आप अपनी बात कहिए एक एक करके, तब मैं लोगों के बीच जरा जा रही हूँ। देखिए अभी कह रहे थे कि धर्म की जो बात है, तो धर्म मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार से हिंसा की वृत्ति नहीं करता है, और परहित सरिस धर्म नहीं भाई हमारे यहाँ कहा गया है। तो यहाँ मुझे लगता है कि एक बार ये मौका है सब लोगों के पास कि जिस प्रकार से अयोध्या को भगवान श्री राम की मंदिर मिल गई है, तो मथुरा भी मिलनी चाहिए, और उसके लिए मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि भारत के मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया, सुप्रीम कोर्ट का जिस प्रकार से उन्होंने फैसले का स्वागत किया, मुझे लगता है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए, हिंदू और मुस्लिम के समन्वय को स्थापित करके, और हमें जिस प्रकार से अयोध्या प्राप्त है उसी प्रकार से काशी और मथुरा भी प्राप्त हो जानी चाहिए।